गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 6, वाटर। आज हम वाटर के बारे में रीड करेंगे कि हमें वाटर किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम रीड करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, कि हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है। किस लिए? जीने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, कि जो पानी है, पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। द अर्थ हैज़ लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों? क्योंकि इस पर पानी है, एयर एंड सनलाइट, और हवा है और सनलाइट है, यानी कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर है। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर वेरियस रीजन्स, वेरियस मीन्स बहुत ज़्यादा, यानी कि अलग अलग तरह के रीजन्स, अलग अलग कारणों की वजह से हमें पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू क्विंच आवर थर्स्ट, क्विंच मीन्स बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास। हमें पानी की ज़रूरत किस लिए होती है? अपनी प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू टेक बाथ, नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एंड टू वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स क्या होता है? बर्तन, कपड़ों को और बर्तनों को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, कि प्लांट्स को किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? पानी की, फूड को बनाने के लिए, यानी कि फूड को जब वो बनाते हैं, ग्रो करते हैं, उसके लिए पानी की उनको ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको किस लिए पानी की ज़रूरत होती है? पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर स्पोर्ट्स, फिश एंड अदर मैरिन लीव्स टू, पानी जो है किसको सपोर्ट करता है? स्टूडेंट्स, जो फिश हैं, मछलियां हैं, उनको, और समुद्री जीव जो पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनको सपोर्ट करता है, यानी कि उनको लाइफ देता है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स को पानी की ज़रूरत किस लिए होती है? स्टूडेंट्स, उन्हें फसलें उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी कि जो लाइट का हम घर में यूज़ करते हैं, जो बिजली हमारे तक पहुंचती है, उसको बनाने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी की हेल्प से बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। वाटर इज़ यूज्ड टू पुट आउट फायर, पानी का यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टूडेंट्स, आग को बुझाने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, टू ब्रश आवर टीथ, टू टेक अ बाथ, टू वॉश क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, एंड टू वाटर द प्लांट्स एंड ट्रीज इन आवर गार्डन। कहता है कि हमें पानी की ज़रूरत हर दिन होती है, हर चीज़ के लिए होती है, यानी कि हमारी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं, दिन भर की जो दिनचर्या हमारी होती है, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि हमें ब्रश करना है अपने टीथ को, तब भी हमें पानी की ज़रूरत है, हमें नहाना है तब भी हमें पानी की ज़रूरत है, हमें अपने कपड़े साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे जो गार्डन है, गार्डन में जो हमने प्लांट्स और ट्रीज लगाए हैं, उनको भी वाटर देने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, क्या आप ये जानते हैं कि हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि पानी हमें कहाँ से मिलता है? इन सिटीज़ वाटर इज़ सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस,
शहरों में पानी की सप्लाई किस तरह से होती है? जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, यानी कि ज़मीन के नीचे दबी हुई पाइपलाइंस के थ्रू हमें वाटर मिलता है। वी गेट इट थ्रू टैप्स कनेक्टेड टू डैम। हमें ये पानी कहाँ से मिलता है? टैप से, यानी कि नल से मिलता है, जो कि हमारे घरों में लगे होते हैं, जो कि इनसे कनेक्टेड होते हैं। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स यही टॉपिक। इन विलेजेस पीपल यूज वेल्स और हैंड पंप्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। गांव में लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वेल्स यानी कि कुओं का यूज़ करते हैं, और हैंड पंप्स यानी कि जो नल होते हैं उनका यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए। पीपल इन डेजर्ट्स एंड ड्राई प्लेसेस कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग एंड इवन ड्रिंकिंग। और जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग होते हैं, जो सूखे एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, वो कैसे पानी प्राप्त करते हैं स्टूडेंट? जो रेन वाटर होता है, यानी कि बारिश से मिला हुआ पानी होता है, उनको क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? क्लीनिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, और इवन ड्रिंकिंग करने के लिए, यानी कि पीने के लिए भी, कुछ भी क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी, कोई भी कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, तो इनके लिए भी वो इसी पानी का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इट मीन्स कि जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा कर लेना, ये कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन यहीं तक क्लियर करेंगे। थैंक यू।